नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक स्टडीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ये दूसरा भाग है यूनियन टेरिटरीज का। इससे पहले वाला जो भाग था उसमें हमने चार यूनियन टेरिटरी पढ़ी थी। चार यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी थी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। ये चार जो यूनियन टेरिटरी थी ये हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इधर कॉर्नर में आई बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे अगली चार यूनियन टेरिटरी के बारे में। वो कौन कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है? तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? जम्मू एंड कश्मीर, शॉर्ट फॉर्म में मैं JNK लिख देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों JNK के बारे में पढ़ते हैं। JNK आप सबको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, ठीक है? उस समय कितने स्टेट थे इंडिया में? 29 स्टेट्स। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया? जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट की बजाय दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये दो नई यूनियन टेरिटरी बनी। और ये सब हुआ कौन से एक्ट की वजह से? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये 2019 में आया था अगस्त के महीने में। कौन सा एक्ट आया था? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अगस्त में ये एक्ट आया और अक्टूबर 31 को ये लागू हुआ। तो जम्मू एंड कश्मीर की एस्टेब्लिशमेंट कब लिखी जाएगी? अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब हुई, तो स्थापना आएगी दोस्तों 31 अक्टूबर 2019, ठीक है? ये हो गई जम्मू एंड कश्मीर की स्थापना। अब दोस्तों अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट रह गए, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इस समय है 20। कितने? 20 डिस्ट्रिक्ट हैं इस समय जम्मू एंड कश्मीर में। अब दोस्तों अगर इसकी कैपिटल की बात करें, कैपिटल दोस्तों समर और विंटर्स के लिए अलग अलग कैपिटल है। अगर समर की कैपिटल की बात करें तो वो है दोस्तों कश्मीर। कश्मीर ये क्या है? समर कैपिटल, यानी कि गर्मियों में। अब अगर बात करें जम्मू, ये क्या है? विंटर कैपिटल। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि कश्मीर के आसपास का तापमान बहुत ज्यादा लो चला जाता है, ठीक है? बहुत कम तापमान होने की वजह से यहां ये केवल समर्स के लिए होती है, और जब सर्दियां बढ़ जाती हैं तो जम्मू कैपिटल का काम करता है। तो दो कैपिटल है JNK, ठीक है? अब दोस्तों अगर बात करें यहां के LG की, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है? तो अगर यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करूं तो वो है दोस्तों मनोज सिन्हा। यहां पे फिलहाल कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? मनोज सिन्हा, जिसे आप उपराज्यपाल भी कहते हैं, ठीक है? और CM की जो पोस्ट है वो क्या है? वैकेंट है, ठीक है? CM की जो पोस्ट है फिलहाल वो वैकेंट है, यानी कि खाली है। इस समय यहां पे कोई CM नहीं है, ठीक है दोस्तों? अब यहां पे हम राज्यसभा की सीटों की अगर बात करें तो राज्यसभा की 4 सीट है। लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो लोकसभा की 5 सीटें हैं। और वहीं विधानसभा की अगर सीटों की बात करूं तो टोटल 114 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है? यहां पे विधानसभा काम करती है। और यहां पे कौन सा सिस्टम है? यूनिकैमरल सिस्टम, ठीक है? अब दोस्तों अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन है दोस्तों लगभग 1,22,67,000। कितनी पॉपुलेशन है? 1,22,67,000 यहां की पॉपुलेशन है। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया है दोस्तों 42,241 किलोमीटर स्क्वायर, ये यहां का एरिया है। 42,241 किलोमीटर स्क्वायर, ये क्या है? यहां का एरिया है। अब पॉपुलेशन हमारे पास है, एरिया हमारे पास है, तो डेंसिटी, तो दोस्तों यहां की अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो वो है 290 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 290 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहां की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है? ये यहां की जनसंख्या घनत्व है।
अब दोस्तों यहां पे अगर डेंसिटी के बाद हम बात कर लेते हैं, यहीं पे एक सेक्शन बनाते हैं। यहां पे लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है, लैंग्वेज में कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी भाषा बोली जाती है, उसके अलावा डोगरी भाषा बोली जाती है, ठीक है, डोगरी भाषा बोली जाती है और उर्दू बोली जाती है, ठीक है, ये तीन यहां की लोकल लैंग्वेज है। उसके अलावा हिंदी एंड इंग्लिश तो आपको पता ही है, पूरे इंडिया में ही बोली जाती है, ठीक है। तो ये पांच प्रमुख लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली। यहां पे रहने वाली दो जनजातियां प्रमुख है, कौन कौन सी, गुज्जर, ठीक है, गुज्जर और बकरवाल, कौन सी दो जनजातियां यहां पे प्रमुख तौर पे रहती हैं, गुज्जर एंड बकरवाल, ठीक है, ये दो जनजातियां यहां पे। अगर यहां पे प्रमुख लेक्स की बात करूं, क्योंकि यहां पे दो लेक्स ऐसी हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, अक्सर फिल्मों में दिखाई जाती हैं। पहली लेक कौन सी है, डल लेक, ठीक है, डल झील, डल झील जो है यहां पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। पुरानी फिल्म कश्मीर की गली आपको याद होगी, उसका गाना यहीं पे शूट हुआ था। ये क्या करती है दोस्तों, ये वाली जो झील है ये सर्दियों में फ्रीज हो जाती है, यानी कि जम जाती है, ठीक है, ये डल लेक जो है ये सर्दियों में फ्रीज हो जाती है। दूसरी जो लेक है दोस्तों वो है वुलर लेक। वुलर लेक की क्या खास बात है, वुलर लेक जो है दोस्तों वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है। तो ये वुलर लेक कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मेरे ख्याल से सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी। एस्टेब्लिशमेंट इसका 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था अगस्त 2019 में, जिसके बाद ये हुआ। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहां पे 20 है, कैपिटल कश्मीर है और यहां पे जम्मू है, समर और विंटर की अलग अलग कैपिटल है। मनोज सिन्हा यहां के एलजी है इस समय, सीएम की जो सीट है वो वैकेंट है। राज्यसभा की सीट की अगर बात करें तो 4 हैं, लोकसभा की 5 हैं, विधानसभा की 114 सीटें हैं। अब दोस्तों यहां पे पॉपुलेशन लगभग 1,22,00,000 की पॉपुलेशन है। यहां पे एरिया की अगर बात करें तो 42,241 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 290 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, ये पांच प्रमुख लैंग्वेज बोली जाती है, जिसमें से ये जो तीन है ये यहां की लोकल लैंग्वेजेस है। तो उसके अलावा गुज्जर और बकरवाल, ये दो प्रमुख जनजातियां यहां पे रहती हैं। लेक्स जो दो प्रमुख हैं वो है डल लेक और वुलर लेक। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं फटाफट लद्दाख की, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर से ही ये दोनों यूनियन टेरिटरी बनी है, एक जम्मू कश्मीर बनी और एक लद्दाख बनी। ये दो नई यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस की गई और क्योंकि ये दोनों साथ में ही बनी थी, ठीक है। लद्दाख स्केच हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, इसकी शायद इंक खत्म हो गई है। तो अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का एस्टेब्लिशमेंट कब आएगा, सेम वही जो जम्मू कश्मीर का था, ठीक है। लद्दाख का एस्टेब्लिशमेंट भी कब होगा, 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को इसका एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। सेम वही जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो कि अगस्त में आया था, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट की बात हो गई। अब दोस्तों यहां पे टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे दो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। दो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, एक तो लेह और एक कारगिल, जिसमें से ये जो लेह डिस्ट्रिक्ट है इसकी क्या खास बात है, ये भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया की दृष्टि से, यानी कि क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसी डिस्ट्रिक्ट का है पूरे भारत में, ठीक है दोस्तों। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब यहां पर एलजी की बात करें, अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इस समय यहां के हैं वो है दोस्तों राधा कृष्ण माथुर। कौन है, राधा कृष्ण माथुर, ये यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस समय वर्तमान में, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे अगर हम बात करें लोकसभा की सीटों की, तो लोकसभा की केवल यहां पे एक सीट है, कोई विधानसभा नहीं, कोई राज्यसभा नहीं,
केवल लोकसभा की एक सीट है और वो सीट किसके पास है, बीजेपी के पास। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई लद्दाख से बीजेपी के एकमात्र कैंडिडेट कौन है, ठीक है, एमपी जो है। तो एमपी का नाम आप लोग नोट कर लेना, वो है दोस्तों जेमयांग सेरिंग, ठीक है। ये टी से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, लेकिन इसका प्रोनंसिएशन हमेशा सेरिंग होगा, ठीक है। टेसरिंग वगैरह कुछ मत बोल देना, ठीक है। नामग्याल, ठीक है। तो पूरा नाम क्या है, जेमयन सेरिंग नामग्याल, ये बीजेपी से हैं और एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है क्योंकि एक ही सीट है एमपी की। अब दोस्तों यहां पे अगर हम एरिया की बात करें, एरिया है दोस्तों 59,146 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 59,146 वर्ग किलोमीटर यहां का एरिया है लद्दाख का। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन है दोस्तों लगभग 274,000, कितनी है 274,000, बहुत कम पॉपुलेशन है और इसलिए डेंसिटी भी काफी कम है यहाँ की। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो है ओनली 4.6 प्रति वर्ग किलोमीटर, कितनी है मात्र 4.6, ठीक है, ये यहाँ की डेंसिटी है। और अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेजेस की, लैंग्वेजेस में लद्दाखी, ठीक है, और एक यहाँ पे पुर्की भाषा बोली जाती है, पुर्की, ये दो यहाँ की लोकल लैंग्वेज हैं, कौन सी, लद्दाखी और पुर्की, इसके अलावा इंग्लिश एंड हिंदी तो है ही, ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी, ये इंग्लिश एंड हिंदी दो लैंग्वेज और है इसके अलावा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं कुछ फैक्ट्स की, तो लद्दाख जो है वो सबसे लोवेस्ट रेनफॉल वाला एरिया है पूरे इंडिया में, यानी कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है भारत में, लद्दाख है, ठीक है। और उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो लद्दाख अकेली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो तीन इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, तीन इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, कौन कौन से, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये तीनों यूनियन, अकेली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके तीन इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं। तो फैक्ट्स हो गए हमारे, लोवेस्ट रेनफॉल भी यहीं पे है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी यहीं पे है और तीन इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाला अकेला यूनियन टेरिटरी है। बाकी 31 अक्टूबर को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, दो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ले एंड कारगिल, ठीक है, और यहाँ के जो एलजी हैं वो राधा कृष्ण माथुर हैं, और जो लोकसभा की सीटें हैं वो एक ही सीट है, वो बीजेपी के पास है, नाम उसका है जेमयांग सेरिंग नामग्याल, ठीक है। और एरिया मैंने बता दिया 59,146 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और पॉपुलेशन भी बता दी, बहुत कम है, 274,000 की पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से यहाँ की डेंसिटी भी बहुत लो है, 4.6 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये लद्दाखी, पुर्गी, इंग्लिश, हिंदी, ये यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली यूनियन टेरिटरी के बारे में, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमने पढ़ लिया, इसके बाद अगली जो यूनियन टेरिटरी है वो है दोस्तों लक्षद्वीप, कौन सी है, लक्षद्वीप, नाम से ही आपको पता चल रहा है लक्षद्वीप, यानी बहुत सारे आइलैंड्स का ये ग्रुप है, ठीक है। तो लक्षद्वीप की अगर बात करें हम एस्टेब्लिशमेंट की दोस्तों, स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट, तो वो आएगी दोस्तों 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, इसका गठन हुआ था। अब अगर बात करें दोस्तों इसकी कैपिटल की, ठीक है, अगर इसकी कैपिटल की हम बात करें तो वो है दोस्तों कावराती, कौन सी है, कावराती, ठीक है। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट यहां पे एक ही डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे बड़ी सिटी की बात करूं तो वो है दोस्तों लार्जेस्ट सिटी, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी की अगर बात करें तो वो है दोस्तों एंड्रोट, कौन सी सिटी है, एंड्रोट, एक ही डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ी सिटी एंड्रोट है और कैपिटल कौन सी है, कावराती, ठीक है। अब अगर बात करें यहां की एडमिनिस्ट्रेटर की,
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर या पे या फिर हिंदी में शायद प्रशासक या प्रबंधक बोलते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है दोस्तों इस समय, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, ठीक है, ये यहां के करंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब अगर बात करें दोस्तों यहां पे लोकसभा सीटों की, लोकसभा की यहां पे केवल एक सीट है जो कि एनसीपी के पास है और उस कैंडिडेट का नाम क्या है, मोहम्मद फैजल, ठीक है, मोहम्मद फैजल ये एनसीपी से हैं। सिंगल सीट है, मैंने आपको बताया कि लद्दाख में भी सिंगल सीट है तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, इसीलिए मैंने आपको नाम लिखवाया है, अदरवाइज जरूरी नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा हम एरिया की यहां की बात करें, एरिया यहां का एरिया है दोस्तों मात्र 32.62 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 32.62 किलोमीटर स्क्वायर यहां का एरिया है टोटल, बहुत कम एरिया है। और एरिया के साथ साथ पॉपुलेशन भी यहां की काफी कम है, ओनली 70,365, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है 70,000 लगभग अगर हम माने, ठीक है, 70,000 यहां की पॉपुलेशन है। तो डेंसिटी भी यहां की जो हो गई वो आ गई लगभग 2200 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 2200 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब अगर बात करें दोस्तों यहां पे लैंग्वेजेस की हम बात कर लेते हैं, ज्यादा देखो कुछ है नहीं लक्षद्वीप के बारे में पढ़ने के बारे में, लेकिन मोटी मोटी जानकारी जो हमारे एग्जाम के तौर पे हमारे लिए जरूरी है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों जेसेरी, ठीक है, एक दिवेही, जेसेरी और दिवेही तो यहां पे जो लोकल लैंग्वेज है ये बोली जाती है। अब अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं तो वो है दोस्तों मलयालम एंड इंग्लिश, ये दो यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, मलयालम एंड इंग्लिश। और अगर यहां की जो बोलियों की बात करूं जो वहां पे लोकल लोग बोलते हैं वो है जेसेरी और दिवेही, ये दो लैंग्वेज यहां पे बोली जाती हैं। अब दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1956, कैपिटल इसकी कावराती है, डिस्ट्रिक्ट यहां पे एक ही है और सबसे बड़ी सिटी है वो एंड्रोट है, और एडमिनिस्ट्रेटर जो यहां के हैं वो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। यहां पे लोकसभा की एक सीट है जो कि मोहम्मद फैजल एनसीपी के हैं उनके पास है। एरिया जो है वो है 32.62 किलोमीटर स्क्वायर, बहुत कम एरिया है। पॉपुलेशन है यहां की लगभग 70,000 यहां की पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी है 2200 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। लैंग्वेज यहां पे जिसेरी दवेही दो स्पोकन लैंग्वेज है, उसके अलावा मलयालम और इंग्लिश दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारी आखिरी जो यूनियन टेरिटरी है उसकी बात कर लेते हैं, आखिरी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो आखिरी यूनियन टेरिटरी एक ही बची है अब हमारे पास, पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, ठीक है दोस्तों। ये जो यूनियन टेरिटरी है दोस्तों ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, मतलब इसका एक टुकड़ा केरला में है, एक इसका आंध्र प्रदेश में है, एक तमिलनाडु में, ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट के पूरी यूनियन टेरिटरी बनती है, ठीक है। इसके अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, एस्टेब्लिशमेंट वैसे तो दोस्तों इसका जो गठन है वो आपको बहुत जगह मिलेगा, 1 नवंबर 1954, ठीक है, यहां पे इसका गठन मिलेगा। लेकिन एज ए यूनियन टेरिटरी इसको रिकॉग्निशन कब मिला, एज ए यूनियन टेरिटरी इसको रिकॉग्निशन मिला 16 अगस्त 1962 को, ठीक है, 16 अगस्त 1962 को एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे इसको जाना गया, एस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1954 मानी जाती है, ठीक है। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आए कि एज ए यूनियन टेरिटरी कब स्थापना हुई तो 16 अगस्त आएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी जो कैपिटल कैपिटल है दोस्तों पोंडिचेरी, ठीक है, याद रखना बहुत इजी है, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी और कैपिटल पोंडिचेरी और लार्जेस्ट सिटी भी पोंडिचेरी,
ठीक है, सबसे बड़ा शहर पौंडीचेरी ही है इस यूनियन टेरिटरी में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ के टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चार हैं, ठीक है दोस्तों। लोकसभा की यहाँ पे एक सीट है, राज्यसभा की भी यहाँ पे एक सीट है, और विधानसभा की यहाँ पे 33 सीटें हैं, ठीक है। चार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकसभा सीट एक है, राज्यसभा सीट एक है, और विधानसभा की सीटें 33 हैं। 33 में से जो 30 सीटें हैं वो इलेक्टेड सीटें हैं, और 3 सीटें जो हैं वो नॉमिनेटेड सीटें हैं, ठीक है। अब आगे इसकी बात करते हैं यहाँ के सीएम की। यहाँ के सीएम हो दोस्तों वी नारायण स्वामी, ठीक है। यहाँ के कौन है सीएम? वी नारायण स्वामी। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। और यहाँ की जो एलजी हैं, बहुत पॉपुलर महिला है भारत के अंदर, किरण बेदी, ठीक है। बीच में ये राजनीति में भी आई थी लेकिन काम बना नहीं, ठीक है, क्योंकि राजनीति हर किसी के बस की बात नहीं है। तो किरण बेदी यहाँ की एलजी हैं। एरिया की अगर बात करें दोस्तों, तो एरिया है यहाँ का 483 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक ठाक एरिया है, काफी छोटा है यूनियन टेरिटरी के हिसाब से, ठीक है। पॉपुलेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो वो है यहाँ की 13,95,000, काफी अच्छी मात्रा में पॉपुलेशन है यहाँ पे। अगर डेंसिटी की बात करें तो वो है दोस्तों 2900 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 2900 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, 2900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और पॉपुलेशन की बात करें तो 13,95,000 पॉपुलेशन है, काफी अच्छी पॉपुलेशन है। एरिया की अगर बात करें तो 483 वर्ग किलोमीटर। यहां पे चलो हाईकोर्ट की भी बात कर लेते हैं। हाईकोर्ट यहां पे दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट लगता है, ठीक है। मद्रास जो हाईकोर्ट है वो वहीं पे इसकी एक बेंच बैठती है, वही बेंच पुडुचेरी के डिसीजन लेती है। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी पुडुचेरी के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट इसका 1 नवंबर 1954 को माना जाता है। एज ए यूनियन टेरिटरी इसको रिकॉग्नाइज कब किया गया? 16 अगस्त 1962 को। कैपिटल इसकी पौंडीचेरी है, जो कि यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चार है, लोकसभा राज्यसभा दोनों की एक एक सीट है, और सॉरी लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीट है, और विधानसभा की यहाँ पे 33 सीट्स हैं। 30 जो है वो इलेक्टेड होती हैं और 3 जो है वो नॉमिनेटेड होती है। सीएम यहाँ के वी नारायण स्वामी है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, और जो एलजी है वो किरण बेदी जी है। एरिया जो है 483, और पॉपुलेशन जो है वो 13,95,000, पॉपुलेशन डेंसिटी 2900 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, और हाईकोर्ट यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट है। तो ये जो मोटी मोटी जानकारी थी सभी यूनियन टेरिटरीज के बारे में। इसके अलावा बहुत सी जानकारी है खैर पढ़ने को, तो आप किसी भी अगर एक छोटा सा छोटा डिस्ट्रिक्ट भी आप उठा लें तो आपको बहुत अनगिनत जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम वही बता रहे हैं जो हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप पढ़ना चाहें तो कभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यूनियन टेरिटरीज इसी के साथ हमारी खत्म होती है। मिलेंगे हम अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, हमेशा मास्क पहनिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो पढ़ रहे हैं, और लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।